हाय सुन, जैसा कि आप न्यूज़ में पढ़ चुके होंगे कि हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की आयु सीमा 2 साल बढ़ा दी गई है। मींस कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब वो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की परीक्षा की तैयारी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी उम्र 23 साल से ऊपर हो चुकी है। तो उन लोगों के लिए ये एक बहुत ही अच्छा मौका है। और इसके साथ साथ एक और भी बहुत बड़ी न्यूज़ ये है कि न्यूज़ में ये भी बताया गया है कि अब जो है साक्षात्कार नहीं होंगे, मतलब इंटरव्यू नहीं होगा, आपका 80 नंबर का रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद 5 नंबर आपको हाइट्स के मिलेंगे, आपकी हाइट के मिलेंगे, और बाकी जो 15 नंबर है आपके डॉक्यूमेंट, और अगर आपने कोई मेडल जीता है किसी खेल में तो उसके आधार पर आपको वो 15 नंबर मिलेंगे। तो इसके बेस पर आप जो है पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बट लिखित परीक्षा में बैठने से पहले आपको ग्राउंड कंप्लीट करना है, ग्राउंड को क्रैक करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। न्यूज़पेपर में न्यूज़ की जो हेडलाइन है वो है, प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती के लिए आयु सीमा 2 साल बढ़े। तो इस न्यूज़ की कटिंग में साथ में लगा दूंगा, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। इस चलिए देखते हैं कि जो क्या क्या बताया गया है इसमें। तो सबसे पहले हम बदलाव देखते हैं। बदलाव में देखिए बताया गया कि भर्ती के नए नियम बनाए गए हैं, ड्राफ्ट नियमों की अधिसूचना जारी की गई है। अब नहीं होंगे साक्षात्कार, 80 अंकों की होगी लिखित परीक्षा। मतलब जो जैसा मैं बता चुका हूं कि अब जो इंटरव्यू नहीं होगा, 80 अंकों की जो है लिखित परीक्षा होगी। सो आगे नीचे देखेंगे कि अब यहां पर जो है पुलिस जो कांस्टेबल की जो वैकेंसी निकली है वो है 1334 कांस्टेबल की भर्ती है कि जो है वैकेंसीज हैं, ठीक है। इसके लिए जो है आपके लगभग 1067 जो है वो पुरुष कांस्टेबल होंगे और 267 जो रहेंगी वो महिला कांस्टेबल के पद भरे जाएंगे। 1067 में जो रहता है 900 जो रहते हैं वो जनरल ड्यूटी मतलब सामान्य ड्यूटी के लिए पुरुष के पद भरे जाएंगे, और 91 जो रहेंगे वो रहेंगे आपके किसके लिए, वो चालक मतलब ड्राइवर की पोस्ट के लिए भी यहाँ पर पद भरे जाएंगे। बाकी 267 जो पहले ही बता चुका हूँ वो महिला के जो है महिला कांस्टेबल के पद भरे जाएंगे। इसके लिए अब आप देखते हैं कि पहले जो आयु सीमा थी वो थी सामान्य वर्ग के लिए 28 से 23 वर्ष, एससी एसटी ओबीसी से जो बिलोंग करते हैं उनकी थी 18 से 25 वर्ष, और जो गृह रक्षक थे जो होमगार्ड थे उनके लिए 20 से 28 वर्ष। अब जो नए नियम है उनके आधार पर जो है वो किस तरह से अब चेंजेस आए हैं, तो सामान्य श्रेणी में जो है वो 18 से 25 वर्ष कर दिया गया, मतलब 2 साल इसमें आपके इंक्रीज हो गए हैं, आपको 2 साल और मिलते हैं पुलिस की जो कांस्टेबल की भर्ती है उसमें हिस्सा लेने के लिए। एसटी एससी ओबीसी के लिए 18 से 27 वर्ष ही किया गया है, इसमें भी 2 साल, पहले 25 थे अब कितने हो गए हैं 27 हो गए हैं। जबकि गृह रक्षक जो थे चाहे वो सामान्य कैटेगरी से आते हैं चाहे एससी एसटी या ओबीसी किसी से भी आते हैं उनके लिए जो है नियम चेंज नहीं किए गए हैं, उनके लिए जो आयु सीमा वो 20 से 28 वर्ष ही रखी गई है, पहले की तरह ही रखी गई है। इसके साथ साथ अब मैं बताना चाहूँगा कि इसके साथ साथ अगर आप रिटर्न में बैठना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ग्राउंड टेस्ट मतलब ग्राउंड को क्लियर करना जरूरी है, उसी के बाद ही आप जो है लिखित परीक्षा में हिस्सा ले सकते हैं। अब नीचे देखिए भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता कितनी है। शैक्षणिक योग्यता के लिए आप प्लस टू यहाँ लिखा हुआ 10+2 मतलब आप जो है प्लस टू पास होने चाहिए, राइट। और जो परीक्षा है वो जो है जिला मुख्यालयों में ली जाएगी, मतलब जितने भी जिला हैं हिमाचल के उनके जो मुख्यालय हैं पुलिस के वहां पर ली जाएगी। इसके अलावा एक ही दिन में ये परीक्षा होगी, ऐसा नहीं होगा कि एक जिला मुख्यालय में एक दिन होगी और दूसरी जगह दूसरे जिला मुख्यालय में दूसरी जगह किसी और डेट को होगी, ऐसा नहीं है। एक ही डेट को सब जगह परीक्षा ली जाएगी, लिखित परीक्षा ली जाएगी, और इसमें 1 घंटे का आपको क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा आपको उस लिखित परीक्षा में। इसके अलावा जो रहेंगे आपके अंग्रेजी हिंदी सामान्य ज्ञान और तर्क कौशल मतलब रीजनिंग के सबके 16-16 जो हैं क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ जो रहेंगे लास्ट में जो महिलाएं हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था भी इसमें रखी गई है, जैसा कि आप इस कटिंग में न्यूज़ कटिंग में भी पढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स,
सो स्टूडेंट, अगर आप पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं बट कोरोना की वजह से आप जो है ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, तो डरने की बात नहीं है। परफेक्ट इंस्टीट्यूट जोगिंदर नगर हिमाचल का इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा है, जिसमें आप मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, सामान्य ज्ञान, हिंदी की क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं। तो हमारा जो नया बैच है वो 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक शुरू हुआ है, उसकी डेमो क्लासेस आप ले सकते हैं। आप 2 डेमो क्लासेस लेने के बाद डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे ऑनलाइन बैच में एंटर करना है कि नहीं करना, बट मेरी 110% गारंटी है कि आप क्लास लगाने के बाद आपको वही फील होगा जो आपको ऑफलाइन क्लासेस में होता है। सो इसके अलावा अगर आपके कोई और भी डाउट है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं या नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि मुझे इस एग्जाम की तैयारी करनी है और मैं क्लासेस किस तरह से ले सकता हूँ।